कर भी डाल लेंगे, बात करो बात करते रहो। हाँ। और सुरक्षित है, क्या कंडीशन दी हुई है जब आप लोग वहां से निकले हो? सर एक्चुअली क्या था कि तो हम लोगों को इस बार थान देसा था कि हो सकता है कुछ मे भी हो जाए प्रोसेस। तो क्या हुआ कि 16 तारीख को 16 फरवरी को वहां पर साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक में और टिकट करवाने के बाद मेरी 19 तारीख की फ्लाइट थी और बस वो तो डायरेक्ट कोई फ्लाइट रहती नहीं है यूक्रेन इंटरनेशनल को छोड़ के, तो मैं फ्लाई दुबई से दुबई के थ्रू आया हूँ। सर उस फ्लाइट में लगभग 50 बच्चे ही होंगे, बाकी फॉरेनर्स थे, यूक्रेनियन थे, अदर कंट्रीज के थे, जो मेरे बंगाली से श्रीलंका जा रहे थे वेकेशंस के लिए, सब अलग अलग 85 बच्चे उस फ्लाइट में होंगे। मुश्किल से पैनिक का माहौल है, जो मेरे अभी मेरी बात हो रही है मेरे कलीग वो सब सारे मतलब एक साथ हैं, कुछ हॉस्टल्स में हैं, कुछ अपार्टमेंट्स में। फिर आप लोग साथ में बात हो आप वहाँ बच्चों में पैनिक बहुत गंभीर स्थिति है, सब का माहौल है, क्योंकि रात को बच्चे जो है बंकर में सोते हैं और खाने पीने की भी काफी दिक्कत है। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चा सोए अगर नींद में है तो सायरन बजते ही सीधे उस पर जाता है और हर कहीं ये चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ अपार्टमेंट भी रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ तो सुविधाएं हैं, खाने वगैरह की चीजें हैं वो बच्चों के पास। अभी कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने स्टॉक कर लिया है, पर सब ने स्टॉक नहीं किया। वो महंगाई भी बढ़ गई है कुछ महंगा। अभी एक मित्र मेरा बोरिसपिल एयरपोर्ट पे था, जिस दिन हमला हुआ उस दिन में हुआ था टिकट, उसके बाद पेमेंट जो लगता था इससे पहले जैसे आपने मैं बैठा ली। साथ ही में खड़े सब लोग आ जाए। बिस्कुट वगैरह खाना, जूस पी लो, बात करिए। हाँ राज, हेलो, खाना पीना मिल लो नहीं मिल लो, खाना पीना मिल लो नहीं मिल लो। और ऊपर का उमे हुए हुए बंकर में हो? अच्छा, चल लो ऊपर, पता चलोगा। Thank you.
ठीक हाँ और मैं कब कब लौटे हो तुम सर? मैं 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और मैं 20 फरवरी को दिल्ली आया हूँ और मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो फ़्लाइट दुबई ली थी, दुबई के थ्रू मैं आया हूँ। और सर अभी मतलब अटेंडमी मैंने टिकट करवाई थी, मेरा कोई यहाँ आने का प्लान नहीं था क्योंकि अभी हमारे जो सेशन सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ था फोर्थ ईयर का तो वो जून में ख़त्म होता है तो हम तभी आना चाहते थे पर इस इमरजेंसी के माहौल में हमें आना पड़ा। कैसा डर, कैसा खौफ है वहाँ? सर जब हम आए थे तो तब तो मैं 16 तारीख को जो साइबर अटैक हुआ था बैंक के ऊपर, प्रभात बैंक के ऊपर और इसके ऊपर मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर, यूएस डिफेंस वो यूक्रेन के डिफेंस के ऊपर, तो सर उस टाइम हमको थोड़ा पैनिक हुआ था, डर भी लगा था कि शायद कुछ हो सकता है आज रात में। और उस दिन सर जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने अटेंडम टिकट करवाई 19 तारीख को और मैं 19 तारीख को सर वहाँ से निकलते ही अपने इंडिया वापस आया। तमाम हिंदुस्तानी छात्र छात्राएं वहाँ पे होंगे सर? जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ वो सर जो मेरे ग्रुप मेट हैं, मेरे ग्रुप में सर 2-3 ही लोग शायद इंडिया आ पाए हैं, हम 25 लोग पढ़ते हैं साथ में, बाकी वहीं पर हैं। और सर काफ़ी दहशत का माहौल है क्योंकि सर खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में बंकर हैं और अपार्टमेंट में बंकर नहीं है, तो सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की हो रही है और दहशत का माहौल है और हमें अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। और जो एम्बेसी है, एम्बेसी कीव में लोकेटेड है और हम कीव से कैपिटल से 550 किलोमीटर ओडिशा पे रहते हैं, तो सर इससे काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है क्योंकि आसपास जो हमारे पोर्ट पे है तो बच्चे जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं उनके अपार्टमेंट के व्यू से ही उनको एक्सपोर्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और दिख रहा है धुआं, तो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराए हुए हैं। सर सरकार को किस वजह से देखते हैं, जिस तरीके से हमला होने के बाद सरकार की पहल हुई? सर अब मेरे और मेरे जो कलीग हैं सबका यही है कि सरकार ने लेट कर दिया है क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो सबसे पहले यूएस ने बोला था कि हमारे लोग यहाँ से 2 दिन में खाली कर दें। और सर अगर उस टाइम ही अगर हमारी गवर्नमेंट एक्शन में आती और वो नोटिफिकेशन वगैरह जारी करती तो अभी तक मोस्टली 75% इंडिया वापस आ चुके होते हैं। लापरवाही सर हम 2 लोगों की लापरवाही मानते हैं, गवर्नमेंट डिले हुई है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी यूनिवर्सिटी का वो कोई भी क्लियर चीज़, और सर ऑब्वियसली बात है कोई भी देश के ऊपर आक्रमण होगा वो अपनी को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहेगा, तो ये लीगल चीज़ है, तो मैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट गवर्नमेंट की मांगता हूँ क्योंकि सर अभी भारत का फ्यूचर मोस्टली बच्चे वहाँ पर जो हैं कमज़ोर घर से होते हैं तो उनको फ्लाइट का जो टिकट अभी वगैरह जो बढ़ गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें उस चीज़ के हैं क्योंकि सर हर कोई बराबर फैमिली से नहीं होता है। आपकी बात हो तो भी आपके साथियों से क्या लग रहा, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर मेरी जिनसे बात हुई है तो मैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में माहौल है, पहले सबको लगता था कि ये धमकी वगैरह ही चलता रहता है, काफ़ी सालों से चल रहा है, तो इस साल जो हुआ सर तो अभी सब दहशत में है, लड़की लड़के सब एक साथ हैं, एक साथ कांटेक्ट में हैं, मतलब हर रोज़ सुबह में मैसेज करता हूँ सब लोग ठीक हो, एक साथ हो, खाना वगैरह की क्या सिस्टम है, वो सब चीज़ें सर। जी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक था, बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल था, तब जैसे ही सरकार ने जो है एडवाइसरी जारी की हमारे एम्बेसी ने तो एक ही फ्लाइट हुई जिसमें मैं आया, उसके बाद कोई फ्लाइट आ नहीं पाई, तो मैंने तो टिकट करा ली थी, काफ़ी बच्चे वहाँ पे जो है रह गए हैं। जी तो फ्लाइट की टिकट करा ली तो अपने आप खुश नसीब मानते हो कि मैं आ गया? जी मैं खुश नसीब बिल्कुल मानता हूँ कि मैं आ गया, मेरे पेरेंट्स माँ बाप को है जो है चिंता यहाँ आने की वजह से बिल्कुल सही हो गई है, जो चिंता नहीं करते। अच्छा, हालात कैसे? हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी, और जब मैं आया था तब तो थोड़ा ठीक ठीक था पर अचानक से अब जो है बहुत ज़्यादा भय का माहौल है वहाँ बच्चों में। जी हो रही है, वो लोग जो है रात को बंकरों में सोना पड़ रहा है उनको, और खाने पीने का जो है बहुत दिक्कत है, और जितना भी स्टॉक था उन्होंने बोला कि आपके पास 2 घंटे का समय है सारा ले लीजिए, तो वहाँ के लोकल ने ही इतने सारा स्टॉक कर लिया कि अपने जो बच्चों को, काफ़ी लोगों को हम नीड्स जो जितनी थी उनको पूरी नहीं मिली, तो राशन का पानी सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को। जी केंद्र सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या पहल की थी? केंद्र सरकार ने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया है, बच्चों को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था, अभी तो जो है मेरे सारे ही दोस्त लगभग वहीं फंसे हुए हैं।
नहीं, किराया बहुत ज्यादा लगा है हम लोगों को। जो है नॉर्मल किराया वहाँ का अराउंड 30-40,000 रहता है आने जाने का जो है, और अब हम लोगों को एक फ्लाइट पे 62,000 से 1,20,000-1,30,000 तक के टिकट बच्चों को पड़े हैं। आपकी अपने साथियों से बात हो रही होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर उनको फ्लाइट में मिलती है तो कितना किराया मांगा जा रहा है, किस तरीके से वो आ सकते हैं वापस? अभी तो जो है कोई फ्लाइट की रिसेंट सिचुएशन में किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है कि फ्लाइट होंगी या नहीं होंगी। उनको जो है वो यही बोला गया है कि आप जहां हो वहीं रहिए, और नीचे जैसे ही सायरन वहां बजेगा तो आप बंकरों में जाके वहां तुरंत जाइए, और जैसे ही सरकार कुछ बोलेगी तो वही एक्शन। किस डेट को आप वापस आए? मैं 22 तारीख को आया हूं, वो इंडियन गवर्नमेंट की पहली एक ही फ्लाइट थी जो बच्चों को वहां से निकाल पाई है। उसके बाद जो है अभी दूसरी फ्लाइट जानी थी आज, वो कैंसिल हो गई। कितने बच्चे साथ में आए? मेरे साथ में लगभग यही 250 से 300 बच्चे तक आए हैं। बेटा आपका यूक्रेन में है जी, क्या सोच रहे हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं सामने? अब यूक्रेन के हालात देख के पूरा घर टेंशन में, परेशानी में तो है ही जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास है सरकार के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि कुछ ना कुछ भारतीय बच्चों के लिए सोचेंगे, वो वहाँ से निकालेंगे। करीब 20,000 बच्चे वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं, और पहले कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया तो उसमें फंस गए हैं बच्चे सब। बेटे से बात हुई? हाँ, बेटे से बराबर बात हो रही है, सुरक्षित है, बंकर में है बेटा, और हम लोग उसको सब लोग हिम्मत दे रहे हैं कि सावधानी से रहना, घर से बाहर मत निकलना। वहाँ फ्लैट में रहते थे तो वहाँ की सरकार ने बच्चों को बंकर में सुरक्षित रख कर दिया है सभी। बेटे ने वहाँ की स्थिति बताई होगी आपसे, क्या स्थिति बता रहा है? बेटे ने स्थिति बताई थी कल कि जिस मॉल में वो सामान खरीदने गया था दिन में, उसी मॉल में हवाई जहाज सेना का क्रैश होकर गिरा है, करीब 1 किलोमीटर दूरी पे रात में हमला हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। केंद्र से कोई अपील, सरकार से कोई अपील? सरकार से यही अपील है हम लोगों की कि किसी भी प्रकार सुरक्षित बच्चों को निकालें वहां से। भरोसा भी है सरकार के ऊपर, वो सरकार का फर्ज भी है कि वहां के बच्चे सबसे पहले किसी भी प्रकार रोक के युद्ध को, बच्चों को वहां से निकालने का काम करे सरकार। अच्छा बेटा, आपका यूक्रेन में है, कैसी तकलीफ महसूस हो रही है, क्या कहना चाह रही है? हाँ, वो तो एक माँ का हृदय ही बता सकता है, और जब मुसीबत हो बच्चों पर तो माँ बाप घर के लोगों पर तो उससे भी ज्यादा होती है, पर उसको हिम्मत बनाए हुए हैं, हम लोग भी हिम्मत बनाए हैं, सरकार पर भरोसा है, कैसे ना कैसे करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे। बेटे से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। क्या बता रहा है कि अब सुरक्षित जगह में, बैंकर में कर दिया है बच्चों को। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ कहना चाहेंगे मदद के लिए? अब सरकार से मदद के लिए कह रहे हैं, सरकार को मदद करनी चाहिए, कुछ युद्ध वगैरह थोड़ा स्थिर करवाएं, बच्चों को वहां से निकाल दें, जहां तक हो तो युद्ध में शांति ही बन हो जाए तो और अच्छा।